I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Why you bullying me? Yeah, boy. I am Iron. सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। दिस इज मावा डूड और मैं आ चुका हूँ एक और नई ऑसम सी वीडियो लेकर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपेयर करने वाले हैं थॉर की मोस्ट पावरफुल वर्जन कॉस्मिक किंग थॉर को आयरन मैन के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्मर गॉड क्लियर मार्क टू आर्मर के साथ। तो यारो, ये वीडियो हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे, बट टाइम ना मिलने की वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना पा रहा था। और आज मुझे टाइम मिला है तो मैंने सोचा क्यों ना उनकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी जाए। और साथ ही साथ गाइस, आज 14 जून है और मैंने आप सबसे एक रिक्वेस्ट की थी 15 जून तक बन के रीच करने की, बट अब शायद ये पॉसिबल नहीं होगा, बाकी आप सबके ऊपर है। तो खैर, बिना किसी बकचोदी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओरिजिन की। तो गॉड किलर मार्क टू आर्मर, गॉड किलर मार्क टू आर्मर बेसिकली एक सेकेंड वर्जन है गॉड किलर मार्क वन आर्मर का, जिसे एस्पिरेंट्स ने बनाया था, जिसे टोनी स्टार्क टोटली कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिसके बाद उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके कुछ साल बाद उसने गॉड किलर मार्क टू आर्मर को बनाया, जो कि पहली बार दिखा था सेप्टेम्बर 2018 एवेंजर्स 7 के इशू नंबर 4 में, जहाँ टोनी स्टार्क ने इसे खुद ही बनाया था और जिसका बजट था $4 बिलियन। और इसे मार्स की ऑर्बिट में रखा था ताकि अगर कभी स्पेस से कोई अटैक हो अर्थ पर तो इसे वापस से बुलाया जा सके जल्द से जल्द। अब बात कर लेते हैं कॉस्मिक किंग थॉर की ओरिजिन की। तो यारो, थॉर ने एक बार जब अपना म्योलनिर फेंका और वो 10 रियम्स के पार जाके, मतलब सभी रियम्स को क्रॉस किया, और उसके बाद वो पहुंचा अर्थ पर जहां वो एवेंजर्स की मदद करने गया। और म्योलनिर वापस आया वहां से, तब थॉर ने जब म्योलनिर को पकड़ा तो म्योलनिर पर लिखा हुआ था नाइस शॉट, एंजॉय योर रिटायरमेंट। तब थॉर जो है वो रिटायर हो जाता है एज अ जनरल, यानी कि एसगार्ड की आर्मी का जनरल की पद से रिटायर हो जाता है। और तब वो बन जाता है ऑल फादर थॉर। उसके पास बहुत सी पावर्स आ जाती हैं, और जब वो अपनी जनता से मिलने जाता है, यानी कि एसगार्डियन लोगों से मिलने जाता है, तब वहीं पे क्रैश होता है गैलेक्टस, और तब वो गैलेक्टस पर हमला करने लगता है। और तभी गैलेक्टस कहता है कि तुम ही हमारी मदद कर सकते हो, तुम ही हो जो इस दुनिया को बचा सकते हो स्टार प्लेग से। और तब थॉर पता करता है स्टार प्लेग के बारे में, और तब उसे सिल्वर सर्फर मिलता है और सारी बातें बताता है स्टार प्लेग के बारे में। और वो बोलता है कि गैलेक्टस ही वो बींग है जो कि स्टार प्लेग को हरा सकता है, बट गैलेक्टस उस टाइम पे मर चुका रहता है स्टार प्लेग के द्वारा, यानी कि स्टार प्लेग गैलेक्टस को मार देता है। फिर उसके बाद सिल्वर सर्फर बताता है कि मैंने 5 ऐसे प्लैनेट्स देखे हैं जिनमें इतनी पावर है जो कि गैलेक्टस को वापस जिंदा कर सकती है। थॉर अपनी आर्मी के साथ गैलेक्टस को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और गैलेक्टस वापस जिंदा हो जाता है। और दोनों के बीच कुछ कन्वर्सेशन होती है, जिसके बाद गैलेक्टस थॉर को अपना हेराल्ड बना लेता है, यानी कि एक दास बना लेता है, जिस प्रकार से गैलेक्टस का एक हेराल्ड है सिल्वर सर्फर। जिसके बाद थॉर के पास गैलेक्टस की कॉस्मिक पावर आ जाती है और तब वो बन जाता है कॉस्मिक किंग थॉर। ऐसा एक बार आयरन मैन के साथ भी हुआ है जहां वो कॉस्मिक आयरन मैन बन जाता है। अब ओरिजिन के बाद बात कर लेते हैं पावर्स एंड एबिलिटीज की। तो सबसे पहले गॉड किलर मार्क टू आर्मर, तो इसे सेलेस्टियल्स को हराने के लिए बनाया गया था, तो इसमें सभी सेलेस्टियल्स लाइक पावर थी, आई मीन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड पावर। और बाकी वैसे कोई कॉस्मिक पावर्स नहीं थी इसके अंदर सिवाय रिपल्सर्स के। और इसमें मल्टीपल आर्क रिएक्टर्स थे जो कि डिसंगेज होके एक्सप्लोजन करते थे, और अगर कभी सूट को ज़्यादा डैमेज हो जाए और सूट डिस्ट्रॉय होने वाला हो तब आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क इससे इजेक्ट हो सकता था। और अब गॉड किलर मार्क टू आर्मर के पावर्स के बाद बात कर लेते हैं कॉस्मिक किंग थॉर के पावर्स की। तो यार, कॉस्मिक किंग थॉर के पास सभी वो पावर्स हैं जो कि एक नॉर्मल थॉर वाले वर्जन में रहती हैं, सभी वो पावर्स हैं जो कि ऑल फादर ओडिन में थी, बल्कि उससे ज़्यादा ही, और सभी वो पावर्स हैं जो कि गैलेक्टस के अंदर थी, और तभी वो बन जाता है कॉस्मिक किंग थॉर। और इन सब के बाद अगर मैं डिटेल में जाऊँ कॉस्मिक किंग थॉर के पावर्स की, तो उनमें से है एक्सेलरेटेड हीलिंग, एक्रोबेटिक्स, एजिलिटी, एंटी ग्रेविटी, एंटी मैटर मैनिपुलेशन, अटैक रिफ्लेक्शन, बैनिस, कोल्ड रेजिस्टेंस, डेक्सटेरिटी, ड्यूरेबिलिटी, इलेक्ट्रोकिनेसिस, एलिमेंट कंट्रोल, एंड्योरेंस, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, एनर्जी बीम्स, एनर्जी ब्लास्ट, एनर्जी मैनिपुलेशन, एनहांस्ड सेंसेस, फ्लाइट, गॉडली फिजियोलॉजी, हीट रेजिस्टेंस, होमिंग अटैक, इमोर्टैलिटी, इंटेलिजेंस, इनवल्नरेबिलिटी, लॉन्गिटिविटी, मैजिक, मैक्समैनशिप, मैटर मैनिपुलेशन, माइंड कंट्रोल, रेजिस्टेंस, ओडिन फोर्स, पोर्टल क्रिएशन, पावर कॉस्मिक रिफ्लेक्सेस, रीजनरेशन, रून मैजिक, सेल्फ सस्टेनेंस, स्टेमिना, स्टैटिस्टिक एम्पलीफिकेशन, सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, टेलीपैथी, टेलीपैथी रेजिस्टेंस, टॉक्सिन एंड डिजीज रेजिस्टेंस।
तो ये थी कुछ पावर्स जो कि कॉस्मिक किंग थॉर के पास हैं। और अब इन सब चीज़ों के बाद बात कर लेते हैं कि अगर दोनों में बैटल हो गई तो कौन जीतेगा। तो यारो, कॉस्मिक किंग थॉर की इतनी सारी पावर्स को जानकर आप ये समझ ही गए होंगे कि इस बैटल का विनर जो है वो कॉस्मिक किंग थॉर है। बट फिर भी व्यूअर्स की संतुष्टि के लिए कुछ जस्टिफिकेशन तो देना पड़ेगा, तो जस्टिफिकेशन ये रहा। तो अगर गॉडटियर आर्मर मार्क टू को कॉस्मिक किंग थॉर के साथ लड़ाया जाएगा, अगर फाइट होगी तो कॉस्मिक किंग थॉर के सामने गॉडटियर मार्क टू आर्मर एक सेकंड में नहीं टिकेगा। ये बहुत ही सिंपल सा फंडा है, क्योंकि वो कॉस्मिक किंग थॉर है, उसके पास थॉर, ओडिन और कलेक्टस तीनों की पावर है, और वो साथ ही साथ टेन रियम्स का ऑल फादर है। और इसके बावजूद भी एक और जस्टिफिकेशन है मेरे पास। जब गॉडटियर मार्क टू आर्मर का सेलेस्टियल के साथ फाइट हुआ था, तब उस सेलेस्टियल ने गॉडटियर मार्क टू का एक आर्म जो है यानी कि एक हाथ उखाड़ दिया था, जिसके बाद वो उस पर अटैक करना चालू करता है, तो सेलेस्टियल पर कोई असर नहीं पड़ता। बट सेलेस्टियल जब अटैक करता है तो गॉडटियर मार्क टू एकदम से डैमेज हो जाता है, और तब मजबूरन टोनी स्टार्क को वो आर्मर छोड़ना पड़ता है। और जैसे मैंने पहले भी बताया, गॉडटियर मार्क टू आर्मर में बहुत सारे मल्टीपल रिएक्टर्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक्सप्लोजन करते हैं, और जब आयरन मैन उस आर्मर से इजेक्ट हो जाता है तब वो अपनी एआई मदरबोर्ड को बोलता है कि वो गॉडटियर मार्क टू के सभी रिएक्टर्स को एक्सप्लोड करे, जिसके बाद वो सेलेस्टियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है और वो हार जाता है। तो आप समझ सकते हो कि गॉडटियर मार्क टू आर्मर की एक सेलेस्टियल के सामने कितनी बुरी हालत हो गई थी, तब जाके वो एक सेलेस्टियल को हरा पाया था, ना कि ख़त्म कर पाया था। और कॉस्मिक किंग थॉर के पास बहुत ही ज़्यादा पावर है जो कि गॉडटियर मार्क टू आर्मर को बहुत ही जल्दी ख़त्म कर सकता है, यहाँ तक कि उसके पास एनर्जी रिफ्लेक्शन है। तो जब कभी अगर आयरन मैन यानी कि गॉडटियर मार्क टू आर्मर से वो उस पर अपने रिएक्टर्स ब्लास्ट करेगा, तब वो उस एनर्जी को या अटैक को रिफ्लेक्ट कर पाएगा, क्योंकि उसके पास ये एबिलिटी है। तो यारो, मेरा ओपिनियन ये था कि कॉस्मिक किंग थॉर जीतेगा। आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, तो पोल में बताना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। टिल देन, गुड बाय। जॉइन मार्वल डूड, बी अ सुपर हीरो।